इस प्रोग्राम के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे सस्कराबाद के भाई, मुझे नजर नहीं आ रहे, मंसूर सुबहानी साहब, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और उनके जेल में जो स्केच और कोई अगर प्रोग्राम है इसको आगे लेके जाने का तो उनसे दोस्तों को जो है वो थोड़ा सा। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई शहबाज़ अहमद खान साहब का मशहूर हूँ कि वो आपने गुना मसूफी में से वक्त निकाल के अपने दोस्तों के साथ जनाब कबीर मजी साहब के साथ या जनाब कुंदरा बीजराई साहब के साथ और शेख अजीम साहब के साथ जो तशरीफ लाए हैं हमारे प्रोग्राम में, वो अपने मसूफी की वजह से नहीं आ सके थे। मैं आप तमाम दोस्तों की तरफ से जिसमें डिस्ट्रिक्ट ननकाना के लोग भी हैं, शेखपुरा के लोग भी हैं और इस दफ़ा जो है वो हाफसाबाद के लोग भी हैं, उन तमाम दोस्तों की तरफ से जनाब शहबाज़ अहमद खान साहब का, एक हमारे बड़े भाई जनाब राणा उस्मान साहब इधर आज किसी वजह से नहीं आ सके, उनका बेहद मशहूर हूँ कि आपने हम सब का जो है मान बिल्कुल ऐसे बढ़ाया है जिस तरह आप हमें जो कहते थे कि हम आपके भाई हैं और वो आपने साबित करके दिखाया है कि हम एक बरादरी हैं, हम एक जो है एक फैमिली है और उसी फैमिली का जो है वो आपने जो जिम्मेदारी ली थी, हमें ये बिल्कुल पता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आया था, बहुत ज़्यादा सिफारशें करवाई गई आपको, लेकिन ये अल्फाज में आपको अपने बड़े भाई के सुनाना चाहता हूँ कि इनको ये कहा गया कि यार जो सिफारशी लोग आए थे कि यार वो हमारी बरादरी है, वो हमारा भाई है, वो हमारा अजीज़ है, आप इस तरह नहीं इस तरह कर लो, लेकिन हमारे इस बड़े भाई ने ये अल्फाज अदा किए थे कि आपकी बरादरी वो है लेकिन मेरी बरादरी सहाबी बरादरी है, मेरे वो भाई हैं, मैं अपनी बरादरी को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने भाइयों को अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। मैं समझता हूँ कि हमारे जो इलाकाई लोग हैं, जो हमारे आउट स्टेशन जो दोस्त साबिक काम कर रहे हैं, ये वाकयातन जो है वो महसूस करते थे कि हम तन्हा हैं, हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन खान साहब ने और राणा उस्मान साहब ने और शिवपुरा के बैठे दोस्तों ने ये हमें बावर करा दिया है कि आप तन्हा नहीं हैं, आप जहाँ भी बैठे हुए हैं आपके पीछे ये हमारे भाई जो हैं वो पूरी तरह आपकी सपोर्ट में शामिल हैं इंशाल्लाह। उसके बाद जो है हमने सफदराबाद में अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करने के लिए और खसूसी तौर पर खान साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए एक छोटी सी बजन सजाई थी जिसमें दोस्तों के मशवरे के साथ जो है वो हमने एक कदम उठाया था। आज मुझे यकीन जाने इस कदर खुशी महसूस हो रही है कि मैं वो जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी में मेरा किलो एक शेर जो मेरा खून बढ़ गया है कि आप दोस्तों के रिस्पांस की वजह से, आप दोस्तों के जिम्मेदारी और पॉजिटिव सोच की वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर वहाँ पे चार स्टेशनों के लोग या पांच स्टेशनों के लोग थे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट शिवपुरा के लोग बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट ननकाना के लोग बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट जो है हफसाबाद के जो जहाँ पे नुमाइंदगी हो रही है। मैं समझता हूँ कि हम जिस बेड़े को अपने चंद दोस्तों के साथ लेकर चले थे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी वो कामयाबी है, हम उसमें कामयाब व कामरान हैं, लेकिन उसकी वजह सिर्फ क्या है कि हमारी नीयत साफ है। जब नीयत साफ होती है तो फिर खुदाए बुजुर्गों पर अपनी रहमत जो है वो शामिल हाल कर देता है। मैं अपने तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ बांध कर ये इल्तजा करता हूँ कि यार हमारे मसले मसाइल अपनी जगह पे होंगे, वो जो चीज़ आज से साल सौ साल पहले जो अंग्रेज यहाँ पे हुक्मरानी करने के लिए कर रहा था कि वो हम लोगों को मुसलमानों को डिवाइड करता था और अपनी हुकूमत करता था, आज भी हमारे साथ वही सलूक हो रहा है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, हमारी अफसरशाही जो है वो आज हमें कैश करवा रही है। किस सूरत में कैश करवा रही है कि आज अगर उनको ये पता है कि ये जियो प्रेस क्लब के इख्तलाफात जो
उनको और बताएगा, और हमारे सिटी खान का टोकरा के जो दोस्त हैं उनको और बताएगा, गिलास गिराते हुए अपने मकसद हासिल करेगा, हमें इस्तेमाल करते हुए अपने मकसद इस्तेमाल जो है वो हासिल करेगा। आज खुदा के लिए हम इस प्लेटफार्म को जो है इसको और ज़्यादा आगे ले जाना चाह रहे हैं, इस पर हमारी मदद फरमाएं, अपने इख्तलाफात को जो है वो पसे पुश्त डालें। ये आका दौलत सल्लम का हुक्म भी है कि हम में सबसे बहादुर वही शख्स है जो अपने गुस्से को मारता है अल्लाह की रजा के लिए, अपनी रजा के लिए नहीं या दूसरों की रजा के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जो ख़त्म करके आता है, जो पहल करता है, उसके तमाम गुनाह जो है वो माफ़ कर दिए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज ये हम यहाँ से अहद करके चलेंगे कि हमने पिछले जो भी मामला थे हमारे, हम उन कुदरतों कदूरतों को, उन मुनाफ़तों को और उन सब चीज़ों को जो है पसे पुश डालते हुए आज से हमने अपने आप को इकट्ठे करके चलना है। आज से हमने यह अहद करना है कि हमने किसी को अपनी सहाबी बरादरी के जरिए से, इस सहाबत के प्लेटफार्म के जरिए से हमने किसी को कोई गलत काम कैश नहीं होने देना। अपने इलाके के मसाइल हल कराने हैं, अपने और मजीद डीक्यू साहब जब तशरीफ ले आए, मैं मजीद शार्टली जो आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जितने भी हमारे स्टेशन हैं, सफराबाद है, खानका टोकरा है, सुखे की है, अजनवाला है, फरुखाबाद है, सच्चा सॉरी जो शाहकोट से हैं, तमाम को जो है